स्टूडेंट्स वेलकम टू माई क्लास आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर सिक्स सोल्यूशनस और टॉपिक है कंसनट्रेशन यूनिट्स आज हम कंसनट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम कंसनट्रेशन को डिफाइन करते हैं कंसनट्रेशन इज़ द प्रपोशन ऑफ अ सल्यूट इन अ सोल्यूशन कंसनट्रेशन से मुराद सोल्यूशन में सल्यूट का तनासब है इट इज़ आल्सो आ रेशो ऑफ़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सल्यूशन आर रेशो ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट टू द अमाउंट ऑफ द सॉलवेंट दूसरे लफ्ज़ों में कंसंट्रेशन सल्यूट की मकदार की सल्यूशन की मकदार से या सल्यूट की मकदार की सॉलवेंट की मकदार से नस्बत है तो स्टूडेंट्स हमने कंसनट्रेशन को डिफाइन किया है कि कंसनट्रेशन से मुराद सल्यूशन में सल्यूट का तनासब है दूसरे लफ्ज़ों में ये सल्यूट की मकदार की सल्यूशन की मकदार से या सल्यूट की मकदार की सॉलवेंट की मकदार से नस्बत है अब हम बात करते हैं कंसनट्रेशन यूनिट्स की कन्सनट्रेशन यूनिट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज यूनिट्स को और परसेंटेज यूनिट्स चार तरह के हैं यानी परसेंटेज बाय मैस परसेंटेज मैस, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस को परसेंटेज मैस बाय मैस इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन हंड्रेड ग्राम्स ऑफ सल्यूशन सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो सॉल्यूशन के हंड्रेड ग्राम्स में हल हो परसेंटेज मैस बाय मैस कहलाती है फॉर एग्जांपल टेन परसेंट मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन मींस दैट टेन ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिज़ोल्व इन नाइन्टी ग्राम ऑफ वाटर टू मेक हंड्रेड ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर टेन परसेंट मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि टेन ग्राम शुगर 90 ग्राम पानी में हल करके हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है इसको हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं इसका फार्मूला है परसेंटेज मैस बाय मैस इज़ इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट सल्यूट का मैस हमने ऊपर लेना है यानी न्यूमिनेटर के तौर पर और डी न्यूमिनेटर में हमने लेना है मैस ऑफ सल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट यानी सल्यूट और सॉल्वेंट का टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड हंड्रेड से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है चूँकि परसेंटेज मैस बाय मैस है अब आपको पता है कि मैस ऑफ सल्यूट प्लस मैस ऑफ सॉल्वेंट यानी सल्यूट और सॉल्वेंट का जो टोटल मैस है वो कहलाएगा मैस ऑफ सल्यूशन तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैस ऑफ सल्यूट ओवर मैस ऑफ सल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये इसका फार्मूला है इस फार्मूले से हम परसेंटेज मैस बाय मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स हमने डिफ़ाइन किया है परसेंटेज मैस बाय मैस को के सल्यूट की ग्राम्स में वो मकदार जो सॉल्यूशन के हंड्रेड ग्राम्स में हल हो परसेंटेज मैस बाय मैस कहलाती है मिसाल के तौर पर टेन परसेंट मैथ बाई शुगर सोल्यूशन का मतलब है कि टेन ग्राम शुगर नाइन्टी ग्राम पानी में हल करके हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन बनाया गया है और इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि परसेंटेज मैस बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 नेक्स्ट हम बात करते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम की परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द नंबर ऑफ़ ग्राम्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन सल्यूट के ग्राम्स में वो मकदार जो हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल हो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम कहलाती है फॉर एग्जाम्पल टेन परसेंट मैस बाय वॉल्यूम शूगर सोल्यूशन कंटेन्स टेन ग्राम ऑफ शुगर इन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन मिसाल के तौर पर टेन परसेंट मैथ बाई वॉलीम शुगर सोल्यूशन से मुराद है कि दस ग्राम शुगर को पानी में हल करके सौ सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाया गया है द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलवेंट इज़ नॉट मैंशनड आर इट इज़ नॉट नॉन वो कह रहा है कि सोल्यूशन में जो सॉलवेंट है उसका वॉल्यूम अन है उसका आ, असल वॉल्यूम हमें मालूम नहीं है इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करेंगे परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट यानी सल्यूट का मैस ग्राम्स में ओवर वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब में मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं तो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम की बात की परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम से मुराद सल्यूट की ग्राम्स में वो मकदार है जो सौ सेंटीमीटर क्यूब सल्यूशन में हल हो मिसाल के तौर पर टेन परसेंट मैस बाई वालीम शुगर सोलूशन से मुराद है कि 10 ग्राम शुगर को पानी में हल करके 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया गया है यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि सॉल्वेंट का जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है वो अननोन है यानी कि उसके बारे में हमें मालूम नहीं है उसको कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की तारीफ करें तो इसकी आप तरीफ़ करेंगे कि कंसंट्रेशन से मुराद सल्यूशन में सल्यूट का तनासब है दूसरे लफ्जों में कंसंट्रेशन सल्यूट की मकदार की सल्यूशन की मकदार से या सल्यूट की मकदार की सॉलवेंट की मकदार से नस्बत है वट इज़ मीड बाय परसेंटेज मैस बाय मैस परसेंटेज मैस बाय मैस से क्या अपराध है सल्यूट की ग्राम्स में वो मकदार जो सॉल्यूशन के हंड्रेड ग्राम्स में हल हो परसेंटेज मैस बाय मैस कहलाती है मिसाल के तौर पर टेन परसेंट मैस बाय मैस शुगर सोल्यूशन का मतलब है कि टेन ग्राम शुगर नाइन्टी ग्राम पानी में हल करके हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन बनाया गया है और इसको हम मालूम किस तरह से कर सकते हैं परसेंटेज मैस बाय मैस इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड डिफाइन परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम की तारीफ करें तो सल्यूट की ग्राम्स में वो मकदार जो हंड्रेड सेंटीमीटर के ऊपर सोल्यूशन में हल हो परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम कहलाती है मसलन टेन परसेंट मैस बाई वॉलीम शुगर के सोल्यूशन से मुराद है कि टेन ग्राम शुगर को पानी में हल करके हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाया गया है और इस तरह के सोल्यूशन में सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो अन नॉन होता है इसको हम मालूम किस तरह से कर सकते हैं परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्रैम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो आज हमने कंसंट्रेशन को डिफाइन किया है साथ में फिर हमने परसेंटेज यूनिट्स के बारे में बात की है परसेंटेज यूनिट्स में से हमने परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स को डिस्कस किया है इसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और साथ में इसका फार्मूला इसी तरह से परसेंटेज मैथ्स बाय वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया है इसकी भी हमने डेफिनेशन की है एग्जाम्पल की है और साथ में इसका फॉर्मूला किया है आपने इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है थैंक यू स्टूडेंट्स